स्कॉलरशिप मुझे मिली 20,000 डॉलर्स। तो भी हम जिम में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो बिल्डिंग है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बी हाइव की तरह है। और यहाँ पे खड़े होकर मेरे को मेरे पुराने दिन याद, बॉल ना लग जाए भाई हमें। सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार आज है संडे, छुट्टी का दिन है, एकदम कड़ाके की धूप निकली हुई है, 10 डिग्री टेम्परेचर है। तो हमने सोचा यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू चलते हैं, जो कि कनाडा के अंदर वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे चलते हैं और आप लोगों को टूर वगैरह देते हैं, क्या हिसाब किताब है यूनिवर्सिटी का आप लोगों को दिखाते हैं। और हम तो वहाँ पढ़ नहीं रहे तो हम नहीं दिखाएंगे। एक भाई साहब है जो कि 12th के बाद एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आए थे, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस, तो उनसे ही मिलेंगे, सारा हिसाब किताब पूछेंगे और आपको टूर वगैरह करते हैं यूनिवर्सिटी का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। जी तो यार फाइनली हम पहुंच गए यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, और पीछे जो आप ये कांच की बिल्डिंग देख सकते हो, ये है डेविस सेंटर, जो कि कंप्यूटर साइंस की बिल्डिंग है। तो इसके अंदर चलते हैं क्योंकि वो भाई साहब अंदर हमारा वेट कर रहे हैं, तो अंदर चलते हैं और आपको सारा हिसाब किताब दिखाते हैं। हाँ जी, तो यार अब हम आ गए कंप्यूटर साइंस वाली बिल्डिंग के अंदर। यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, उधर एक टिम हॉर्टन्स बना हुआ है, और जो भाई साहब हमारा वेट कर रहे हैं उनको जरा ढूंढने की कोशिश करते हैं, वही दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या हिसाब किताब है, क्या स्पेशलिटी है। वैसे इसके अंदर मैं पहले भी आया था लेकिन मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि क्या बिल्डिंग, क्या सीढ़ियाँ, क्या हिसाब किताब है, तो उनको ढूंढते हैं, वही बताएंगे हमें। हाँ जी, तो यार ये है मिस्टर अनय, जो कि यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहीं से पूछते हैं कि भाई इंडिया में कहाँ से है, यहाँ पर क्या पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, और इंडिया में आपने क्या पढ़ाई की हुई है, तो बताओ। मैं इंडिया में कोलकाता से हूँ एंड मैं फर्स्ट ईयर यहाँ स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ एंड इट्स गुड सो फार। तो बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ। या बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस पढ़। और इंडिया में आपने क्या किया हुआ है? इंडिया में मैंने हाई स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किया था, PCM जिसे कहते हैं, ISC बोर्ड के साथ। ओके। तो 12th करके आप यहाँ पे आए हो? हाँ, 12th करके। ठीक है, तो 12th के बाद अगर आप यहाँ पे आते हो और यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, जो कि वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ है कनाडा की, तो आप पढ़ने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं, उसके लिए अंदर जाके बात करते हैं। बहुत ही सुंदर सा क्लासरूम है, तो अंदर चलते हैं क्योंकि ये पीछे बैकग्राउंड देख के आप बोर हो जाओगे। तो भाई ये है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू का क्लासरूम, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। पीछे आप देख सकते हो 3 ब्लैक बोर्ड लगे हुए हैं और पता नहीं बहुत ही बड़ा हॉल है। तो मेरे को ये बताओ कि आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए क्या ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत ही हाई फाई यूनिवर्सिटी है। तो बेसिकली आपकी क्लास 12 के जो मार्क्स है, जो आपके मिड टर्म और फाइनल एग्जाम मार्क्स है क्लास 12 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। okay. उसमें आपको बहुत हाई स्कोर चाहिए होता है, स्पेशली अगर आपको कंप्यूटर साइंस या फैकल्टी ऑफ मैथ में कोई मेजर करना है, तो दे रिक्वायर 95+ स्कोर। अच्छा, 95% स्कोर चाहिए होता है। ओके। स्पेशली इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, वो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो आपकी अचीवमेंट्स है, लाइक मैथमेटिक्स में जो आप अचीव किए ओलंपियाड्स या फिर कोई इवेंट्स या कॉम्पिटिशन्स, तो वो बहुत उसमें एम्फसिस देते हैं कि आप कितना एक्टिवली इन्वॉल्व हो मतलब मैथमेटिक्स। अच्छा, तो बस ये सारी चीज़ें और एडमिशन हो जाता है। हाँ, मतलब कंपेरेटिव है, लेकिन बहुत लोग अप्लाई करते हैं। या लेकिन यू कैन ट्राई योर बेस्ट। ठीक है, क्योंकि भाई कंप्यूटर साइंस पढ़नी है तो ये लाइक दी बेस्ट है मेरे हिसाब से, वन ऑफ द टॉप, बहुत ही शानदार है। तो बाकी मेरे को यूनिवर्सिटी दिखाओ, कहते हैं बहुत सुंदर है। हाँ, डेफिनेटली। तो एक बार आपको दिखाते हैं और साथ में थोड़ी बहुत बातें करते रहेंगे इनके साथ, क्योंकि बहुत ही समझदार लड़के हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी है यार, तो चलते हैं। तो ये जो कंप्यूटर साइंस की बिल्डिंग है ना, इसको डेविस सेंटर कहते हैं, और इसके आर्किटेक्चर के बारे में बहुत ही स्पेशल चीज़ है, तो ये भाई साहब बताएंगे कि क्या स्पेशल है। तो बेसिकली इसके आर्किटेक्चर लाइक माइक्रोचिप, माइक्रोसेट जो बोलते हैं, जितने आप बार्स देख सकते हो ऊपर में, जो बाकी के स्ट्रक्चर सर्कुलर है, वो सब एक माइक्रोचिप की तरह बने हुए हैं। पूरी बिल्डिंग को एक माइक्रोचिप की तरह बना रखा है। मेरे को तो यहाँ पे फीलिंग ऐसे आ रही है कि किसी फैक्ट्री के अंदर आ गए हैं। वो सीढ़ियाँ वगैरह, इंडस्ट्री टाइप लग रही है ना। तो बेसिकली यार वो जो डेविस सेंटर वाली बिल्डिंग है ना, वहाँ से एक ब्रिज निकलती है जो कि MC सेंटर की तरफ जाती है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर्स। तो इन भाई साहब की क्लासेस वहीं पर होती हैं, तो वो देखते हैं कैसी बिल्डिंग है और क्या हिसाब किताब है। यहाँ पर बहुत सारे लाइक जितने भी क्लब्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, स्टेटिस्टिक्स क्लब हो गए आपके या कंप्यूटर साइंस क्लब हो गए, उनके सब मेन ऑफिसेस इसी यहाँ लेन पे हैं। अगर आपको मतलब डाउट्स है वगैरह, एकेडमिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट में डिफिकल्टी आ रहे हैं, तो यहाँ पर ट्यूटर्स होते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं एंड दे वेरी हेल्पफुल। ये है वुमेन इन कंप्यूटर साइंस, ये जितने भी लाइक फीमेल्स हैं उन लोगों के लिए एक स्पेशल क्लब है, और ये है हमारी कंप्यूटर साइंस क्लब की। और ये जो पीछे सारा आप एरिया देख सकते हो, ये बेसिकली एक कैफे टाइप हो गया, मैथ कॉफी एंड डोनट, और पीछे सारा लाउंज एरिया है, तो बच्चे यहाँ पे आके चिल मारते हैं, अपना एंजॉय करते हैं और खाते पीते हैं। थोड़े जिनको पढ़ना है वो पढ़ाई भी कर लेते हैं, तो ये बहुत बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं यहाँ पे बच्चे। यहाँ पे एक ब्रिज सी बनी हुई है जो कि स्टूडेंट लाइफ सेंटर में जाती है, जहाँ पे सारी की सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिमिंग वगैरह होती है, रॉक क्लाइंबिंग होती है। तो अंदर जाके देखते हैं क्या हिसाब किताब है, ये भाई साहब हमें दिखाएंगे क्या सिस्टम है। बाकी यहाँ से व्यू बहुत सुंदर आ रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है। आई थिंक समर्स और फॉल में तो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता होगा। तो चलते हैं एक बार।
हाँ जी, तुम्हारे पीछे सारा का सारा आप एरिया देख सकते हो, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू का मेन ईटिंग एरिया। यहाँ पे सारे के सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बच्चे यहाँ बैठ के अपना खाना पीना करते हैं, चिल मारते हैं, डांसिंग वगैरह चल रही है उधर, तो काफ़ी सिस्टम बढ़िया है। और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है रिक्रिएशनल सेंटर, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ आपको लेके चलते हैं, क्योंकि बच्चे खा पी रहे हैं ना, उनको डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ जी, तो अब हम खड़े हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के रिक्रिएशनल सेंटर में, तो ये भाई साहब बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या है। काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक जिम है, पीछे सबसे बड़ा जिम बोलते हैं यहाँ पर, PAC बोलते हैं उसको। अच्छा, तो वो है, एंड स्विमिंग पूल है हमारे पास, उस तरह का हमारे पास डांसिंग रूम्स एंड रॉक क्लाइंबिंग, तो बहुत एक्टिविटीज़ होती है हमारे पास। क्या आपने खरीद रखा है? चलो दिखाते हैं क्या हिसाब है। तो भाई इन्होंने लॉक किया हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग भी होती है, तो आप वो भी कर सकते हो। और इधर डांसिंग रूमसिंग चल रही है, पता नहीं क्या सीन हो रहा है, कोई अंग्रेजों वाली डांसिंग हो रही है, हमें तो पता नहीं भैया, तो कहीं और लेके चलते हैं। स्विमिंग पूल आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का। तो भाई हम जिम में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई साहब वहाँ पूछने गए हैं कि भाई हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेस का हिसाब किताब है, और यहाँ कितने का पड़ता है जिम वो भी इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो यार हमें स्पेशल एक्सेस मिल गया, तो एक बार चलते हैं कि देखते हैं क्या हिसाब किताब है, बाकी जिम के प्राइस क्या बारे में आप बताओगे। तो भाई आपको दिखाते हैं क्या हिसाब किताब है अंदर। आपको पता है ना सारा, आयो पहले आप यहाँ पे। ओके, तो भाई यहाँ पे तो माहौल ही बहुत शानदार हो रखा है, मज़ा ही आ जाए यहाँ पे कोई भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी करने के लिए। वीकेंड वगैरह पे तो मज़ा आ जाता होगा यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छा लग रहा है। वॉलीबॉल खेल रहे हैं लोग, और क्या क्या खेलते हैं, बास्केटबॉल का भी हिसाब किताब है, तो काफ़ी अच्छा है। तो सिस्टम सेट है, बॉल ना लग जाए भाई हमें। चलो यहाँ से चलते हैं और जिम देखते हैं। नहीं तो अब आपको लेके चलते हैं फिटनेस सेंटर के अंदर, मतलब जो जिम होता है, तो चलें। चलो तो आप मेरे को बता रहे हो कि $2 में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि ये नहीं यूज़ कर सकते या फिर वो नहीं यूज़ कर सकते, या $2 में पूरे जिम का एक्सेस मिलता है, सिस्टम एकदम सेट है, लेकिन लॉकर के लिए $10। बाकी यार ये तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू का जिम है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं कनाडा के अंदर कौन कौन से जिम्स होते हैं, उनके क्या क्या प्राइसेस वगैरह होते हैं, क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, उसके ऊपर चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा अलग अलग जिम्स में जाके। सो बेसिकली ये पूरी बाहर की एरिया है, जितने भी रेजिडेंसेज आपके विलेज वन बोलते हैं वहाँ पर, उस तरफ है पीछे, एंड यहाँ पर बहुत सारे और बिल्डिंग्स भी है, जैसे क्वांटम नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर, जहाँ हम जाने वाले हैं अभी, आपको दिखाने वाले हैं, एंड बस यही है। चलो हाँ जी, और अभी हम खड़े हैं एक बिल्डिंग के बाहर जिसका नाम है QNC, तो उसका क्या हिसाब किताब है? क्वांटम नैनो सेंटर बोलते हैं इसे, जितनी भी नैनो की रिसर्च होती है, जितने भी आपकी जो एडवांसमेंट्स होती है, इसी बिल्डिंग में होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भी बहुत ही जबरदस्त बिल्डिंग है, तो एक बार चलते हैं और देखते हैं क्या हिसाब किताब है। और भाई साहब मेरे को बता रहे हैं कि जो बिल्डिंग है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बीहाइव की तरह है, तो बेसिकली इस कैंपस के अंदर सारी की सारी बिल्डिंग्स की अपनी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। जैसे वो जो कंप्यूटर साइंस वाली बिल्डिंग थी, उस वो माइक्रोचिप बनी हुई थी, ये बीहाइव की तरह है, तो सिस्टम एकदम सेट है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू जबरदस्त है। हाँ जी, तो अभी हम खड़े हैं QNC बिल्डिंग के क्लासरूम के अंदर। क्लासरूम बहुत ही शानदार है, एकदम शांति है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बच्चे यहाँ पे आके अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। और जो ये बिल्डिंग है, ये लाइक ऐसा लग रहा है जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी होती है। और यहाँ पे खड़े होकर मेरे को मेरे पुराने दिन याद आ गए, जब मैं कॉलेज में जाके पोडियम पे खड़े होकर पढ़ाता होता था, सामने पूरी क्लास बैठी होती थी, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बाकी कहीं और चलते हैं, अब कौन कहाँ जाएंगे? अब जाएंगे अपने DP डाना पोटर लाइब्रेरी, जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है कैंपस की, वहाँ चलते हैं। ठीक है, तो पता नहीं क्या नाम बोला इन्होंने, DP, वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं, लेट्स गो। पीछे जो आप ये ऑफ वाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हो, ये बेसिकली क्या है? डाना पोर्टर लाइब्रेरी है, सबसे जो बड़ी लाइब्रेरी है कैंपस में, वो ये है डाना पोर्टर लाइब्रेरी है, सबसे बड़ी लाइब्रेरी है कैंपस की। तो इसके अंदर चलते हैं, थोड़ा सा शॉट्स वगैरह लेते हैं और आपको दिखाते हैं सिस्टम। तो भाई ये जो लाइब्रेरी है ना, ये टोटल 9 फ्लोर्स की है, तो हर एक फ्लोर पे जाके तो आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, बच्चे अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं शांति से, और ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, तो इसलिए बाहर निकलते हैं और कोई और बिल्डिंग में चलते हैं। कौन सी बिल्डिंग में जाएंगे? E7 नाम की बिल्डिंग है, वहाँ चलते हैं, देखते क्या है। हाँ जी, तो अब हम जाने लगे हैं कौन सी बिल्डिंग के अंदर? डाटा सेंटर, ये करियर के सेंटर होती है हमारी। हाँ, तो जितने इंटरव्यूज होते हैं हमारे, रेज्यूमे रिव्यूज होते हैं, सब इसी बिल्डिंग में होता है। ठीक है, तो एक बार अंदर जाके देखते हैं क्या सिस्टम है, और बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको बताता हूँ कोऑप, रेज्यूमे और इंटरव्यू के बारे में। चलो
भाई ये तो बेइज्जती होगी। हाँ जी, तो यार ये जो करियर सेंटर है अभी फिलहाल तो बंद है, तो इसके अंदर तो जा नहीं सकते, लेकिन मैं आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी चीज बताना चाहता हूँ रेज्यूमे और कवर लेटर से रिलेटेड। तो बेसिकली यार हर एक कॉलेज और हर एक यूनिवर्सिटी के कैंपस पे ना एक करियर सेंटर होता है, एक रेज्यूमे सर्विसेज नाम की एक जगह होती है, जहाँ पे जाके आप अपना रेज्यूमे या फिर कवर लेटर वगैरह रिव्यू करवा सकते हो, एक फीडबैक ले सकते हो कि भाई कोई गलती वगैरह कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, और साथ के साथ अगर आपके कोर्स में कोई कोऑप वगैरह है तो उसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो, आपके कोर्स के हिसाब से कौन कौन सी कंपनियां बढ़िया रहेंगी, और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें भी आप पता कर सकते हो। तो ज़रूर अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आ रहे हो ना, तो करियर सर्विसेज और ये रिज्यूमे सर्विसेज टाइप की जो जगह होती है ना, वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। बाकी इन भाई साहब से आगे बातें करते हैं कि ये बता रहे थे कि इनको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिली है और उनकी फीस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो पता करते हैं। हाँ जी, तो यार पीछे जो आप ये ग्रे कलर की बिल्डिंग देख सकते हो, ये बहुत ही शानदार बिल्डिंग है, बेसिकली यहाँ की इंजीनियरिंग बिल्डिंग है, और इसको क्या कहते हैं, E7 कहते हैं, और इसके अंदर E5 E2 पता नहीं क्या हिसाब किताब है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं, कहते हैं कि भी बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है अंदर से। बाकी यार आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि कॉलेज की यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर एक पूरा ट्रेन का ट्रैक है, तो बेसिकली किचन और वाटरलू का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो जो ट्रेन आती है, ट्रैम चलता है रोड के ऊपर, वो कैंपस के अंदर से होके निकलता है, तो बहुत ही बढ़िया हिसाब किताब है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी और वाटरलू का स्टेशन भी है और उधर बसेस वगैरह भी आती हैं, तो सिस्टम एकदम सेट है। बाकी हम चलते हैं अपनी बिल्डिंग के अंदर। तो बेसिकली यार यहाँ पे मैकेनिकल और कौन सी इलेक्ट्रिकल और सिविल भी यहाँ पे कराया जाता है, तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो लेट्स गो। तो भाई जैसे कि आप पीछे देख सकते हो सीढ़ियाँ वगैरह, आज पूरे थिएटर वाली फील आ रही है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो आपको दिखाते हैं क्या क्या बढ़िया बढ़िया जगह है इस बिल्डिंग के अंदर। इस बिल्डिंग में जो होती है सबसे बड़ी जो हैकथॉन होती है कनाडा में, सबसे बड़ी इस बिल्डिंग में होती है, उसको हैक द नॉर्थ कहते हैं। हैक द नॉर्थ, यस, सबसे बड़ी कनाडा की इसके अंदर होती है, सबसे बड़ी है, वही है हिसाब किताब है। तो बेसिकली यार ये भाई साहब मेरे को बता रहे थे कि इनकी यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के अंदर जो ये कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं बैचलर्स, उसकी फीस काफ़ी ज़्यादा है, और लेकिन इनको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिली है। तो मेरे को सबसे पहले बताओ कि आपकी फीस है कितनी। फीस अराउंड $30,000 है पर सेमेस्टर, चार महीने के लिए। एक सेमेस्टर की $30,000, तो एक साल की $60,000। तो भैया जितनी इनकी एक सेमेस्टर की फीस है उतने में हमारा पूरा का पूरा कोर्स हो गया था, मेरी थी $8,000 एक सेमेस्टर की, तो चार सेमेस्टर 4×8=32, तो ये हिसाब किताब था। चलो ठीक है, लेकिन उसका आई थिंक आउटपुट भी अच्छा निकलता होगा। हाँ, मतलब जो यूनिवर्सिटी है एटलीस्ट फॉर सीएस के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, वर्ल्ड में टॉप 3 में आती है एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग्स में, तो अच्छा, बहुत पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में टॉप 3 में आती है, ठीक है। और कनाडा के अंदर मेरे हिसाब से बेस्ट यूनिवर्सिटी है फॉर कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। और स्कॉलरशिप आपको कितनी मिली और कैसे मिली है। हाँ, स्कॉलरशिप मुझे मिली $20,000, वो एक इंडिया स्कॉलरशिप होती है जो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। अच्छा, उसके लिए आपको एक मैथमेटिक्स पेपर और एक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन भरना पड़ता है, तो अगर सिलेक्ट हो गया तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है $20,000 की, और $2,000 मिलती है आपको अगर आपको हाई स्कूल की एवरेज 95% से ऊपर हो, उसके लिए $2,000। भाई साहब ये बिल्डिंग बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ऊँची है, सांस चढ़ गई है, उससे ज़्यादा चढ़ा नहीं जा रहा, ये हिसाब किताब है। बाकी ये बताना चाहता हूँ बिल्डिंग देखने में बहुत ही अच्छी है, जो एनवायरमेंट है बहुत ही शानदार है, बच्चे टीटी वगैरह खेल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, सिस्टम सेट है, बाहर निकलते हैं, मेरी तो सांस चढ़ गई, थक गए एकदम। बाकी यूनिवर्सिटी बहुत ही सुंदर है। हाँ जी, तो यार ये था यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के कैंपस का एक टूर, तो आई होप आप लोगों को टूर पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच अने अपना 2 घंटे निकालने के लिए और अपने पैर थकाने के लिए मेरे लिए। थैंक यू, और प्लीज सब्सक्राइब टू गुरसाव चैनल, बहुत अच्छा कॉन्टेंट बनाते हैं, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, कीप हसलिंग। यस।